श्री कृष्ण जन्म अष्टमी कमेटी गढ़दीवाला वालों श्री कृष्ण जन्म अष्टमी मौके शहर के विच एक शोभा यात्रा कढ़ी गई। इस तो उपरंत मत भगवत कथा का आयोजन किया गया। पेश है इस ते एक विशेष रिपोर्ट। इन्हीं दिनी श्री कृष्ण जन्म अष्टमी मौके हर शहर के हर पिंड विच समागम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे तहत जिला हुशियारपुर के गढ़दीवाला विखे भी श्री कृष्ण जन्म अष्टमी कमेटी वालों शोभा यात्रा और श्रीमद भगवत कथा का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण भगत और कस्बा सहयोगियों के सहयोग नाल मनाए गए 2 अगस्त तो 9 अगस्त तक 98वें जन्माष्टमी महोत्सव दौरान श्रद्धालुओं वालों गढ़दीवाला शहर में एक विशाल शोभा यात्रा कढ़ी गई, जो शहर के प्रमुख बाजारों विचों गुजरती हुई श्री राधा कृष्ण मंदिर में समाप्त हुई। इस दौरान फूल मालावां नाल सजाई गई सुंदर पालकी विच भगवान श्री राधा कृष्ण और ठाकुर जी सुशोभित सन। इस मौके महंत श्री रघुवीर दास जी पंडोरी धाम वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी कमेटी के समूह मैंबर और गढ़दीवाला के पतवंते शोभा यात्रा विच शामिल सन। शोभा यात्रा विच भगतां वालों नच टप के श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस मनाया। इस मौके संसद सकत्र श्री देशराज दुग्गा विशेष तौर पर हाजिर हुए। ये यात्रा शाम वेले श्री राधा कृष्ण मंदिर तो शुरू होके थाना बाजार, गांधी चौक, मेन बाजार, श्री देवी मंदिर बाजार, बस स्टैंड और पुराना डाकखाना बाजार तो गुजरती हुई मुड़ श्री राधा कृष्ण मंदिर में समाप्त हुई। इस तो बाद मत भगवत कथा का शुभ आरंभ बाबा अवतार नाथ जी ने ज्योति प्रज्वलित करके किया, जो 7 दिन तक चली। इस मौके आचार्य श्री रविनंदन शास्त्री वृंदावन धाम वालिया ने अपनी मुखारबिन तो कथा करदिया कहा कि अगर असी अपना कल्याण चाहते हाँ तो सानू भगवत जी की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। मौके कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सुखदेव शर्मा, प्रधान डॉक्टर संजीव शर्मा, रमेश खोसला, हर्ष सेठ, दिनेश कुमार नंद समेत भारी गिणती में श्रद्धालु हाजिर सन। अंत विच कमेटी के उप प्रधान श्री हर्ष सेठ ने आए श्रद्धालुओं के पतवंतियों का धन्यवाद किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कमेटी रजिस्टर्ड गढ़दीवाला समूह इलाका निवासी विदेशों से बैठे हुए सहयोगी सज्जना ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਅਸ਼ਟਮੀ ਮਹੋਤਸਵ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਅਸ਼ਟਮੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ
ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।